नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड गाइस, आज हमारे पास है द रियल एसर टीवी, वो भी मैसिव 65 इंच का, जिसकी प्राइसिंग है सिर्फ और सिर्फ 44,999। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, 65 इंच का टीवी सिर्फ और सिर्फ 45,000 की प्राइस में। एंड गाइस, आप कंफ्यूज हुए रहेंगे कि यहाँ पे मैंने द रियल एसर टीवी क्यों बोला। इसके लिए गाइस यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मार्केट में गाइस कई सारे आपको एसर ब्रांडेड टीवीज देखने मिलेंगे, जिसे लाइसेंस किया है अदर टीवी ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स ने, जबकि गाइस एसर प्योर एक रियल टीवी सीरीज है एसर की तरफ से। सो गाइस, जब भी आप टीवी परचेस कर रहे हो ना, यहाँ पे देखना एसर प्योर की बैजिंग होनी ही चाहिए। एंड गाइस, एसर ने यहाँ पे एसर प्योर टीवी सीरीज में ना डिफरेंट डिफरेंट साइजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, 32 से लेके 65 इंच तक मैसिव टीवी साइजेस आपको देखने मिलते हैं। एंड गाइस, आज यहाँ पे हमारे पास है मैसिव एसर प्योर का 65 इंच 4K टीवी। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है, एंड काफी बढ़िया पैकेजिंग में यहाँ पे उन्होंने टीवी प्रोवाइड किया था। बॉक्स कॉन्टेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मेटल स्टैंड देखने मिलते हैं, यूजर मैनुअल, रिमोट कंट्रोल, 2 AAA बैटरीज एंड कुछ एडिशनल स्क्रूज। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टैंड है ना, उसे हम इंस्टॉल करते हैं। काफी इजीली यहाँ पे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। करते हैं टीवी को पावर ऑन, एंड जब तक हम इसे सेटअप कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेसिफिकेशंस को। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली मेटालिक स्टैंड्स इसके अंदर देखने मिलते हैं। टीवी का जो रेयर है ना, वहां पे उन्होंने मेटल प्लस पॉलीकार्बोनेट का यूज किया है। बॉटम बेजल पे यहाँ पे आपको एसर प्योर की मिनिमल ब्रांडिंग देखने मिलते हैं। एंड पोर्ट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो साइड में यहाँ पे आपको 2 HDMI पोर्ट, जिसमें से सेकंड HDMI ERC पोर्ट आपको देखने मिलता है। एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको 2 USB टाइप ए पोर्ट भी देखने मिलता है। एंड यहाँ पे टीवी के बॉटम साइड पे आपको AV इन, एंटीना पोर्ट, 3.5mm का जैक, ऑप्टिकल पोर्ट, RJ45 पोर्ट एंड एक HDMI पोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो गाइस, इन ऑल बिल्ड क्वालिटी बढ़िया निकल के आते हैं। डिस्प्ले की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास मैसिव 65 इंच का ये वेरिएंट है, जहाँ पे आपको 4K रेजोल्यूशन देखने मिलता है। एंड टीवी का रिफ्रेश रेट निकल के आता है 60Hz का। बेजल वाला पार्ट आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल आपको देखने मिलता है। एंड जी हाँ गाइस, यहाँ पे उन्होंने VA पैनल प्रोवाइड किया है। VA पैनल होने के बावजूद भी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कलर्स आपको देखने मिलते हैं। एंड व्यूविंग एंगल्स भी 178 डिग्री तक बहुत ही बढ़िया आपको देखने मिलते हैं। उसी के साथ यहाँ पे उन्होंने HDR10 का सपोर्ट प्रोवाइड किया है। VRR का भी सपोर्ट आपको देखने मिलता है, जो बेसिकली है वेरिएबल रिफ्रेश रेट, जिसकी हेल्प से काफी बढ़िया एंड स्मूथ फुटेज आपको विजिबल हो जाएंगे। एंड डिस्प्ले की ब्राइटनेस यहाँ पे निकल के आते हैं 350 nits की। सो गाइस, प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले अमेजिंग निकल के आता है। एंड बढ़ते इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, तो आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे आपको गूगल टीवी OS देखने मिलता है, जो यहाँ पे बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 11 पे। यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको सजेस्टेड कंटेंट देखने मिलेंगे डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म से। एंड फिर यहाँ पे आपको मूवीज का भी टैब देखने मिलता है, टीवी शोज भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। एप्स वाले सेक्शंस में आप देख सकते हो यहाँ पे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस आपको देखने मिलते हैं। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे उन्होंने प्ले स्टोर का भी सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आपको एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखने मिलते हैं, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको बिल्ट इन 16GB का स्टोरेज देखने मिलता है विद 2GB रैम। एंड गाइस, यहाँ पे अगर मैं OTT प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने नेटफ्लिक्स को इसमें टर्न ऑन किया था। नेटफ्लिक्स यहाँ पे बहुत ही स्मूथली वर्क करता है, एंड नेटफ्लिक्स के ऊपर यहाँ पे आपको 4K HDR डॉल्बी एटमस कंटेंट विजिबल हो जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप नेटफ्लिक्स के ऊपर कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। सिमिलरली गाइस, यहाँ पे हमने Amazon Prime Videos को भी इसमें टर्न ऑन किया था, जहाँ पे हमें 4K HDR फुटेज बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल हो जाता है। एंड इस पर्टिकुलर ऐप में भी आपको कोई भी लैग एज सच महसूस नहीं होगा, एंड यहाँ पे भी आप कंटेंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो। एंड जी हाँ गाइस, यहाँ पे डिज्नी हॉटस्टार को भी हमने टेस्ट किया था। डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर भी यहाँ पे आप देख सकते हो हमें 4K डॉल्बी एटमस कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने मिल रहा था, एंड ये भी एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। एंड यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब के ऊपर भी यहाँ पे आप 4K 60fps HDR कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से वॉच कर सकते हो। सो इन शॉर्ट गाइस, OTT एप्स यहाँ पे इस टीवी पे अमेजिंगली वर्क करेंगे। एंड गाइस, कास्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो यहाँ पे बिल्ट इन क्रोमकास्ट तो आपको देखने मिलता है, उसी के साथ यहाँ पे हमने हमारा एंड्रॉयड फोन इसके ऊपर कास्ट किया था। एंड्रॉयड फोन की कास्टिंग बहुत ही स्मूथली यहाँ पे हो रही थी। एंड यस, आईफोन भी यहाँ पे हमने कास्ट किया था, आईफोन की भी कास्टिंग आपको बहुत ही बढ़िया देखने मिलती है। अगर कास्टिंग में कुछ भी लैग आपको महसूस हो रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द वाईफाई नेटवर्क। जितना बढ़िया वाईफाई नेटवर्क उतनी बढ़िया कास्टिंग। एंड यस, यहाँ पे हमने इस टीवी के ऊपर गेम्स भी खेले। प्ले स्टोर के ऊपर से आप कई सारे गेम्स इसमें डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बीच बगी रेसिंग गेम है ना, उसे हमने यहाँ पे खेला। गाइज, रिमोट कंट्रोल की हेल्प से आप इस गेम को खेल सकते हो, एंड ये गेम नो डाउट बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे वर्क करता है विदाउट एनी लैग।
एंड यस, अगर आपको थोड़े बहुत हैंड गेम्स खेलने हैं तो यहाँ पे हमने एसफॉल्ट 8 भी इसके अंदर खेला, जिसके लिए आपको एक ब्लूटूथ गेम पैड इसके साथ कनेक्ट करना है। ब्लूटूथ गेम पैड आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, एंड यहाँ पे जो एसफॉल्ट 8 गेम है ना विदाउट एनी लैग यहाँ पे अमेजिंगली वर्क भी करता है। एंड गाइस, एक टीवी में ना साउंड वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, तो इस पर्टिकुलर टीवी के अंदर आपको 24 वॉट्स के डुअल फायरिंग स्पीकर्स देखने मिलते हैं, पार्ट है बाय डॉल्बी एटमस। एक सैंपल ऑडियो प्ले करता हूँ, साउंड क्वालिटी को सुनिए। तो गाइस, नो डाउट साउंड आउटपुट इस टीवी का अमेजिंग निकल के आता है। एंड रिमोट कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो काफी कॉम्पैक्ट साइज में यहाँ पे आपको ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल देखने मिलता है, जिसके ऊपर उन्होंने गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट प्रोवाइड किया। नीचे की तरफ आपको OTT एप्स के शॉर्टकट कीज भी देखने मिलते हैं, तो गूगल असिस्टेंट की हेल्प से यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे कि हु इज अभिजीत देसाई ऑफ टेक अनबॉक्सिंग। अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम, इंजीनियर बाय एजुकेशन, प्रोफेसर बाय ऑक्यूपेशन, YouTuber by hobby. What's the temperature outside? The temperature in Navi Mumbai right now is 27 degrees due to the current humidity. Okay. So guys, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो एंड स्मार्ट होम को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो वैसे गाइज, ये जो Acer Pure का मैसिव 65 इंच का टीवी है ना, 44,999 में वैल्यू फॉर मनी है, जहाँ पे आपको एक साल की वारंटी भी देखने मिलती है एंड ढेर सारे फीचर्स है। 4K रेजोल्यूशन का टीवी है, Dolby Atmos सपोर्ट भी आपको देखने मिलता है। एंड वैसे गाइस, Acer Pure के जो टीवीज है ना, आपको Acer के सारे एक्सक्लूसिव स्टोर्स पे अवेलेबल मिल जाएंगे, सो जरूर जाके चेकआउट कीजिए। एंड वैसे गाइस, ऑनलाइन परचेस करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे भी चेकआउट कीजिए। एंड गाइस, बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।